आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे TIN और TAN इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है या फिर समानता क्या है। इसे टिन और टैन नंबर बोलते हैं। कर चोरी से बचने के लिए टैक्स भुगतान के नियम और विनिमय प्रकृति में प्रभावी होना चाहिए। सरकारें टैक्स एकत्रित करने के तरीकों को सुधारने का लगातार प्रयास करती है क्योंकि व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा कर भुगतान सरकारों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। टिन मतलब टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और फिर होता है टैन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, तो दीज आर टू सच आइडेंटिफायर्स टू इंश्योर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन इन इंडिया। मतलब TIN करदाता पहचान संख्या और TAN कर कटौती और संग्रह खाता संख्या भारत में उचित कर संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए दो ऐसे पहचान की चीजें हैं। अभी की डिफरेंस क्या है दोनों में? TIN और TAN के बीच मुख्य अंतर ये है कि TIN विक्रेताओं और डीलरों के लिए जारी एक अनूठा 11 अंक संख्यात्मक कोड है जो वैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि TAN एक व्यक्ति के लिए जारी किए गए एक अद्वितीय 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो मुख्य रूप से कर कटौती या जमा करने के लिए जिम्मेदार है और एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो अभी जो हम आपको इसको वीडियो में बताने वाले हैं वो है कि दोनों में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, TIN क्या है, TAN क्या है, और फिर दोनों का कंपैरिजन करूंगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि TIN क्या है, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। तो विक्रेताओं और डीलरों के जारी एक अनूठा 11 अंक संख्यात्मक कोड है जो वैट पहले क्या वैट होता था, अभी तो वैट नहीं चल रहा है इंडिया में, पहले वैट होता था, तो मूल्य वर्धित कर का भुगतान करने का उत्तरदायी है। अभी जब वैट लागू था तो वैट एक प्रकार का उपभोग कर प्रभार्य है, जब भी उत्पादन के स्तर पर और अंतिम बिक्री पर मूल्य जोड़ा जाता है, अभी वही GST है। तो TIN को वैट नंबर या बिक्री कर संख्या भी कहा जाता है। अभी इशू कैसे होता है? TIN संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र UT के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और TIX के पहले दो अंक जारी करके राज्य कोड जिसे UT कोड कहते हैं, और द अदर 9 डिजिट्स ऑफ TIN डिफर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। TIN के अन्य जो 9 अंक है राज्य सरकारों द्वारा अलग है। निर्माता, व्यापारी और डीलरों जो करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, सभी लेन देन और पत्राचार में TIN का उल्लेख करना चाहिए, अभी GST नंबर का उल्लेख करना पड़ता है। इसके अलावा एक राज्य के भीतर या दो या अधिक राज्यों के बीच किए गए दोनों बिक्री के लिए TIN लागू किया जाएगा। अभी GST जो है सब पे एक साथ लागू है, सेम है। तो TIN के लिए विनियम वर्तमान में संशोधन के अधीन है और नए नियमों के तहत TIN और वैट के बीच के कोई अंतर नहीं है जब तक ये लागू था, क्योंकि केवल एक नंबर की जरूरत है जो सभी प्रकार के बिक्री के लिए आवश्यक है। अभी TAN क्या है? TAN टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, एक अनूठा 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कर कटौती या जमा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए जारी किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192A के तहत आयकर विभाग द्वारा TAN जारी किया गया है। स्रोत
का कारण और कटौती को आसान बनाने के लिए TAN का मुख्य उद्देश्य है। एक TAN की संरचना में पहले चार अक्षर के लिए चार अक्षर, पांच अक्षरों के लिए पांच अंकों और अंतिम वर्ण के लिए एक अक्षर शामिल होता है। इसके अलावा जैसे कि एक अधिनियम की धारा 203A में निर्दिष्ट किया गया है कि स्रोत मतलब TDS रिटर्न में कटौती किए गए सभी करों पर TAN उद्धृत करना अनिवार्य है। अभी आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार TDS भारतीय प्राधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष कर संग्रहण का माध्यम है। TAN के लिए आवेदन करने से असफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी चुकाया जाता है, साथ ही साथ TDS रिटर्न दस्तावेजों में उद्धृत करने में विफल रहता है। अभी जो की डिफरेंस है TIN और TAN TAN में वो मैं बता देता हूँ। TIN विक्रेताओं और डीलरों के लिए जारी एक अनूठा 11 अंक का संख्यात्मक कोड है जो वैट का भुगतान करने लिए उत्तरदायी है। अभी तो खैर GST आ गया है पर TIN के बारे में जानना जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और TAN एक अनूठा 10-डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कर कटौती या एकत्र करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए जारी किया गया है। TIN का उद्देश्य देश में वैट संबंधी गतिविधियों को ट्रैक करना होता है जो GST नंबर करेगा, और TAN का उद्देश्य स्रोत पर कटौती और कर के संग्रह को सरल करना है। अभी जो जारी करता है TIN संबंधित राज्य के वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी किया गया है, और जो TAN है वो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192A के तहत आयकर विभाग द्वारा TAN जारी किया गया है। अभी जब स्वामित्व का सवाल उठता है तो TIN का कोई भी विक्रेता जो वैट का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है का स्वामित्व होना चाहिए, और TAN TAN प्रत्येक व्यक्ति संस्था द्वारा स्वामित्व में है जिसे स्रोत पर कर घटाया जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।